तो ये देखिए हमारे पास हमारी मंथली एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस शीट की रिपोर्ट का डैशबोर्ड है। मेन बोर्ड में हम ये कर रहे हैं यहाँ क्लिक करके, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मंथ्स के ऊपर तो हमें सारे महीने यहाँ नजर आ रहे होते हैं। जिस महीने पे मैं क्लिक करूंगा उस महीने की इनकम और उस महीने की एक्सपेंस मुझे यहाँ दिखाई देते हैं और उनमें से होने वाली नेट इनकम मुझे यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे महीना चेंज करूंगा तो आप देखेंगे अब मई की इनकम और एक्सपेंस और नेट इनकम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। फर्दर मोर इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मई के महीने की डिटेल्स देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे रख के माउस का कर्सर कंट्रोल के साथ क्लिक डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस शीट पर भी ट्रांसफ़र कर देगा जिसमें उसका पूरा डेटा मौजूद है। मतलब ये मई के महीने की पूरी इनकम लिखी हुई आ रही है, ये मई के महीने की पूरा एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है और नीचे देखें टोटल इनकम और एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी तरह से हम आगे चलेंगे और हम इसमें हमारे पास जो डेटा है वो है सितंबर तक का, तो अब हम ये देखते हैं कि हम अक्टूबर की शीट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। देखें सबसे पहले समझ लें सितंबर की शीट में हमने क्या क्या काम किया हुआ है, ये तो फॉर्मेट है आप बना ही लेंगे सारा का सारा। ठीक है, उसके अलावा ये भी डिस्क्रिप्शंस हैं, ये भी आप लिख लेंगे इनकम और एक्सपेंस की। यहाँ पे इसका टोटल भी आप ऑटो सम करके ले लेंगे, इसका टोटल भी आप ऑटो सम करके ले लेंगे और यहाँ पे इक्वल करके इसका रेफरेंस ले लेंगे और इक्वल करके इसका रेफरेंस भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर लेंगे। ये शीट आपको हर बिजनेस में काम में आती है कि हर बिजनेस के जो एंड में महीने के वो बैठ जाओ महीने के एंड में जो मंथली इनकम एक्सपेंस शीट हम बनाते हैं जिसमें अपनी टोटल इनकम और एक्सपेंस को लिख रहे होते हैं, तो वह इनकम और एक्सपेंस लिखने के बाद हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें आपने जो है एक और इसमें सितंबर के बाद अक्टूबर की शीट कैसे बनाएंगे, एक बटन भी हमने बनाया है। ये बटन कोई खास नहीं है, हमने यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ से क्लिक किया है शेप पर और यहाँ से ये शेप के ऊपर ही हमने बटन बना दिया है और इस पर राइट बटन दबा के एडिट टेक्स्ट लिखकर और उस पर रिपोर्ट लिख दिया। उसके बाद इसको एक अच्छा सा इफेक्ट दे दिया यहाँ से क्लिक करके इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का, और उसके बाद हमने जो है ये इफेक्ट देने के बाद जो है इसके ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई किया। हाइपरलिंक कैसे अप्लाई किया, देखिए हाइपरलिंक अप्लाई करने का तरीका क्या है और काम कैसे करता है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ ले आएगा, माना हर शीट में मैं जब भी इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेन रिपोर्ट वाले शीट के ऊपर ले आएगा। ऐसा करना आसान है कि आप उस पर राइट बटन दबाएँ और इंसर्ट पर जाके यहाँ से लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रीसेंट फाइल्स पर क्लिक कर लें या फिर ब्राउज पेजेस पे क्लिक कर लें, करंट फोल्डर पे क्लिक कर लें। यहाँ पर देखिए आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगी, जिसमें से जिस वर्कशीट पर आप क्लिक करके ओके करेंगे ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के बगैर ही क्लिक करेंगे तो ये हमें वहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो ये एक लिंक का काम कर रहा है, इस पर राइट बटन दबा के आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम अक्टूबर के लिए ये सारा काम करना चाह रहे हैं तो राइट बटन दबाएंगे यहाँ से और यहाँ से करेंगे मूव और कॉपी शीट और यहाँ से सेप्टेम्बर वाली शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इस कमांड से ये होगा कि सेप्टेम्बर की शीट की यानी कि कोई भी वर्कशीट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी विथ सेम फार्मूलाज एंड डेटास। तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे उसका नाम OCT ओ कैपिटल और CT स्मॉल लेटर्स में मैंने लिख दिया। इसकी बड़ी अहमियत है कि आपने नोट करना है कि इसका नाम जिस तरह लिख रहे हैं वैसे ही लिंक पे भी डालना है आगे चल के। यहाँ पर आप 30 सितंबर से क्लिक करके 30 अक्टूबर पे इसको एंड कर रहे हैं अपना, तो यहाँ पे इसको अक्टूबर की डेट चेंज कर देंगे। फर्दर मोर यहाँ पे कुछ डेटा थोड़ा चेंज कर देंगे आप कि आपकी जो सेल थी आइटम्स की कुछ बढ़ गई घट गई या क्या हो गया, उस चीज़ को आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे। उसके बाद आइटम सोल्ड परचेज के बाद यहाँ पर जो है आपने सारी चीज़ों को लिख दिया। उसके बाद इनकम भी और एक्सपेंस में भी आपका कुछ कुछ चेंज आया और उसको भी आपने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस भी आपके यहाँ पे इस तरह से आ गए। इसके बाद यहाँ पर इनके टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे क्योंकि फॉर्मूलाज लिखा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर तो आपको देखिए अगर सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर का महीना ऐड करना है तो ये तो बहुत सिंपल है। डेटा में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर और वैलिडेशन पर जाके लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर आपको ये महीने ऐड करने पड़ेंगे। OCTJAN कैपिटल के साथ मैंने O लिया है, CT लिख के इसको मैंने ओके कर दिया।
बाकी महीने ऐड थे, ये नई शीट ऐड कराई थी तो इसलिए उसको मैंने इसके साथ अपडेट कर लिया और उसको क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आती है बात ये कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस इसके ऊपर कैसे काम करेगा। तो जैसे अब मैं अक्टूबर पे क्लिक करूंगा तो देखिए अक्टूबर की इनकम और एक्सपेंस जो है वो टोटल के टोटल यहाँ पे आ चुके हैं 282 और 49,500। तो यहाँ पे देखिए 282 49,500 ये कैसे हुआ इसको भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अक्टूबर का लिंक यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। अक्टूबर का लिंक ऐड करने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है, जैसे आपने बटन का लिंक किया था यहाँ पर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर और यहाँ से फिर से लेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ से आप ऑप्शन लेंगे अक्टूबर वाली शीट का और जैसे ओके करेंगे ये देखें लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी क्लिक करके अक्टूबर की शीट पे जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके दोबारा रिपोर्ट पर आ सकते हैं। अब ये किस तरह से हो रहा है देखिए इसको समझ लें। यहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ है इक्वल टू इनडायरेक्ट और उसकी है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद अंदर जब आप जाएंगे ब्रैकेट में तो आपने पहले दो क्वोट लगाने हैं। दो क्वोट लगेंगे इस तरीके से, यानी कि एक क्वोट आपका आएगा यहाँ पर और एक क्वोट आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल क्वोट लगाना है। अब सिंगल क्वोट आएगा वो इस रेफरेंस से पहले और फिर उसके अंदर आएगा डबल कोट और डबल कोट के अंदर दो एंड के साइन आएंगे और दो एंड के साइन के अंदर इस सेल का रेफरेंस आएगा तो फिर इस सेल का डेटा वहां पर से इस सेल में से आएगा। अब ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकम वाले के लिए इक्वल टू का बटन लगाया और जिस शीट पर से हमें टोटल चाहिए था, लाजिम बात है जब आप फर्स्ट टाइम शीट बनाएंगे तो वो जनवरी की होगी तो ये जनवरी वाली शीट पर आप फार्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ जनवरी की इनकम आ रही है या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों जगह पे जनवरी की टोटल इनकम आ रही है उसका एक रेफरेंस ले लेंगे। अगर आप रेफरेंस ले रहे हैं इस तरीके से तो भी ठीक है और अगर आप यहाँ का रेफरेंस ले रहे हैं तो भी ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को एडिट करेंगे, ये एक रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ से फार्मूला में जाके शो फार्मूला पे क्लिक करें, शो फार्मूला से फार्मूला जाहिर हो जाएगा और हम फार्मूले को देखते हुए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो फॉर्मूले को देखते हुए हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो देखें ये वाला जो सेल का रेफरेंस है ये टोटल इनकम वाले सेल का रेफरेंस है जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और ये जो GAAN लिखा हुआ है ये जनवरी की शीट का रेफरेंस है क्योंकि हमने जनवरी की शीट से लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम GAAN को तो हटा देंगे क्योंकि अब रेफरेंस शीट का नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे इनडायरेक्ट। जैसे इस इनडायरेक्ट फंक्शन को हम यहाँ से लेके डबल क्लिक करेंगे और इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो ये अभी हमारा फार्मूला कुछ ऐसे अप्लाई होगा नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब तुमने रेफरेंस देना पड़ेगा इनडायरेक्ट का। तो अब आपने पहले इनडायरेक्ट के लिए दो कोटेशंस को लगाने हैं इनके दो एंड पर, ये देखें दो कोटेशंस आ गए। फिर उसके बाद दो सिंगल कोटेशन लगाने इसी जगह पे, ये सिंगल कोट बगैर शिफ्ट के आएगा एक और दो। फिर इन दो सिंगल कोट के बीच में दो डबल कोट्स लगाने हैं, फिर इन दो डबल कोट्स के बीच में दो एंड साइन लगाने हैं, फिर दो इन एंड साइन के बीच में जिस सेल का रेफरेंस देना है वो ये वाला होना चाहिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो इसके अकॉर्डिंग वो शीट को लोकेट करे और शीट के अंदर जाके इस सेल का डेटा लाके यहाँ पे दिखा दे। क्योंकि JAN जो शीट का नाम कांस्टेंट लिखा हुआ था वो ऑलवेज JAN वाली शीट का नाम दिखा था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया इस वेरिएबल के साथ। ये एक वेरिएबल बनाया जिसमें ऑलरेडी वैल्यू है, जो भी वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल वो वैल्यू यहाँ पे पास करेगा JAN FWE FAB MAR MARCH। तो वो जो वैल्यू यहाँ पास होगी फिर वो उस शीट को यहाँ पे सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसके इस सेल पर जाएगा और डेटा उठा के ला के यहाँ पे दिखा देगा। तो सिंपली अगर ये करना है तो हमें सेल का रेफरेंस दे देना है एंड देन ओके कर देना इंटर। तो आपका फार्मूला बेहतर तरीके से लग गया है। शो फार्मूला को ऑफ करें, देखें आपको सेम टोटल नजर आ रहा है, सही है। सेम मेथड आप दोबारा से करके देख लें, शो फार्मूला एक्टिवेट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा दोबारा उसी मेथड को फॉलो करते हैं JAN और यहाँ से सेल का रेफरेंस लेते हैं, एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे से JAN को हटा देते हैं और यहाँ पे एक इनडायरेक्ट फंक्शन को ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, डबल कोट्स ओवर कर देते हैं। अब शीट के रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दो डबल कोट्स लगाएंगे, दो सिंगल कोट लगाएंगे, दो एंड साइन लगाएंगे और इसके बीच में जाके इस सेल का रेफरेंस दे देंगे एंड देन एंटर कर देंगे और शो फार्मूला से चेक हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ गया है। अब एरर किस बुनियाद पर आया है कि यहाँ पर डबल कोट्स भी हैं और सिंगल कोट्स भी हैं, तो देखते हैं ज़रा शो फार्मूला करके।
तो यहाँ पर दो डबल कोट्स की कमी है जो यहाँ पे हमने नहीं लगाई है, तो डबल कोट्स यहाँ पर था तो सिंगल कोट आ गया, फिर सब सिंगल कोट के बाद यहाँ डबल कोट लगाने थे, ये वाली कमी थी, इंटर किया। दोबारा से मिटा लेते हैं इसको, तो ये देखिए ये हमारा पूरा आ गया इसके अंदर रेफरेंस। तो हमने पहले सबसे पहले लगाने हैं दो डबल कोट्स, नहीं ये डबल कोट्स तो आ गए स्टार्ट टू एंड वाले यानी कि H24 के बाद, फिर लगाने दो सिंगल कोट, फिर लगाने दो डबल कोट, फिर लगाने हैं दो एंड साइन, फिर लगाने हैं सेल का रेफरेंस एंड देन एंटर, और ये फार्मूला परफेक्ट एंटर हो गया। ये देखिए 49,500 इधर आ गया, और सिंपली फाइनली आपने इसके बाद सम करना है और यहाँ पर से इनकम में से माइनस कर देना है एक्सपेंस को, और यहाँ पर आपका निकल आएगा रिमेनिंग बैलेंस। बस यही काम आपने यहाँ पे करना है, और उसके बाद ये आपकी शीट की रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस शीट का डेटा आपको यहाँ पे इजीली दिखाई देगा, और जब आपको उसकी डिटेल चाहिए तो यहाँ से आप जाके उस पे शीट के लिंक पर क्लिक करेंगे, ये पूरी शीट की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस तरह से आप इनकम एक्सपेंस शीट इजीली बना सकते हैं, ठीक है।